तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आपने एमपी बोर्ड के सप्लीमेंट्री एग्जाम्स दिए हैं या फिर आपने रुक जाना ने योजना के एग्जाम्स दिए हैं तो यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि इनका जो रिजल्ट है वो अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। अगर आप कंपेयर करें प्रीवियस ईयर से तो इतने टाइम तक आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाता था। अच्छा, बट इस बार इतनी ज़्यादा देर क्यों हो रही है, इतना टाइम कंज्यूम क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर एमपी बोर्ड तो नहीं कहेंगे अपन, न्यूज़पेपर वगैरह में ये एक्सक्यूज दिया जा रहा है कि इस बार आपको पता है चुनाव वगैरह थे तो जो टीचर्स थे जो कॉपी चेक करते थे उनकी ड्यूटी हमने वहाँ पर फिक्स कर दी थी, इस कारण से आपकी जो कॉपीज़ हैं वो चेक नहीं हो पाई हैं टाइम पर। अब देखिए, इन सब से हमें क्या करना, हम तो स्टूडेंट हैं, हमने एग्ज़ाम टाइम पे दिए थे तो जो रिजल्ट है वो भी टाइम पर हमें दे दो। बात तो सही है, क्योंकि आगे हमें एडमिशन करवाना है। आप 10th में हो तो आपको स्ट्रीम चूज़ करनी होगी, स्कूल चेंज करना होगा। 12th में अगर आप हो तो आपको कॉलेज में सीट बुक करनी होगी, कोर्सेज देखने होंगे कि आगे आपको क्या करना चाहिए, ये सारे काम हमारे रुक गए हैं। अब देखिए, ठीक है, चुनाव वगैरह थे, आपका काम वगैरह था, बट आपके पास प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि जो टीचर्स को जैसे जो कॉपीज़ वगैरह चेक नहीं कर रहे हैं आप उनकी ड्यूटी भी वहाँ पर कर सकते थे। बट ठीक है, वो आपका जैसा भी मैनेजमेंट है वो तो सामने आ ही रहा है, दिख ही रहा है हमको कि बच्चों का जो रिजल्ट वो टाइम पर आप अनाउंस नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पर बच्चों को परेशान होने की अभी ज़रूरत नहीं है। वो अगर ये सोच रहे हैं कि आगे हमारा एडमिशन नहीं हो पाएगा, रिजल्ट हमारा आया नहीं है, और अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया तो हमारी जो मार्कशीट है वो कब तक आएगी? तो देखिए, आपका जो एडमिशन आगे है वो जो आपका जैसे ही रिजल्ट आएगा उसका जो आपका ऑनलाइन आप चेक करते हो उसके थ्रू भी आपकी सीट बुक हो जाती है। आप उनको कह सकते हो कि अभी हमारी मार्कशीट नहीं आई है, जब भी आएगी वो हम आपको दे देंगे। तो एक तो ये टेंशन आप फ्री हो जाओ आपकी, आपका जो रिजल्ट है उसके आने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। बट मेन बात यही है कि आपका जो रिजल्ट है वो आएगा कब। तो देखिए, यहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेड डेट्स बताई जा रही हैं, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको कवर की थी। आपका जो रुक जाना नहीं योजना का जो रिजल्ट है वो डिफरेंट आएगा, यानी कि डिफरेंट डेट पे आएगा। सप्लीमेंट्री का डिफरेंट डेट पे आएगा, रुक जाना नहीं का इसी मंथ के आप आखिरी की तीन डेट्स यहाँ पर देख सकते हैं, 28, 29 और 30। इन तीनों डेट्स के बीच में हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है वो आ जाए। बाकी अगर आप बात करें सप्लीमेंट्री एग्जाम्स की तो 1st week of August इसके बीच में आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। और देखिए, परेशान मत हुई, CBSE का जो रिजल्ट है वो भी अभी आया है, तो ऐसा तो है नहीं कि अभी एकदम से ये कॉलेज एडमिशन, स्कूल एडमिशन सब बंद हो जाएंगे। इनका भी रिजल्ट आया है, ये भी वेट कर रहे थे इतने टाइम से और अभी ये एडमिशन करवाएंगे। तो इस बात से तो बेफिक्र हो जाइए कि ये जो कॉलेज का एडमिशन वगैरह है ये सब बंद हो जाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस के भी एडमिशन स्टार्ट रहेंगे, यानी कि रहेंगे ओपन, आपस में सीट बुक कर सकते हो। बाकी अगर बात करें स्कूल्स वगैरह की, प्राइवेट हो या फिर आपका गवर्नमेंट हो या फिर आपका एक्सीडेंस वगैरह हो, वहाँ पर तो देखिए एक्सीडेंस में ऐसा होता है कि फॉर्म वगैरह आपके भर चुके हैं, बट फिर भी आप ट्राई कर सकते हो, होने को आपका हो ही जाएगा। तो आज की वीडियो में इतने एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन आती है वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करके रखिए, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिए, जैसे ही कोई अपडेट आएगी या फिर आपका रिजल्ट आएगा तो मैं आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा, जिससे कि आप फटाफट आपका जो रिजल्ट है वो चेक कर पाओगे। अगर आपको कोई डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डायरेक्ट DM करके भी बात कर सकते हैं।